लास्टली सबसे बड़ा नाम जो बिग बॉस का फेस है सलमान खान। सलमान सिर्फ अच्छे मतलब कलाकार नहीं है, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और सबसे बड़े कलाकार में से एक है। बिल्कुल बिल्कुल टीवी शो होस्ट करने की बात करें तो आप देखिए शाहरुख टेड टॉक होस्ट कर रहे हैं, अक्षय होस्ट कर रहे हैं। बिग बॉस जैसे इलॉजिकल शो को होस्ट करके क्या सलमान का इमेज पे कोई इफेक्ट होगा? अगर देखा जाए तो उनकी इमेज गिरेगी क्योंकि जैसे लोग को वो लोग पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक लॉजिकल चीज़ है, इलॉजिकल है मुझे, मैं या? सलमान भाई से एक बात कहना चाहूंगी कि सर आप इतने बड़े एक्टर हो, पूरा वर्ल्ड आपका फैन है एंड मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, झूठ बोल के कोई मतलब नहीं है, बट एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी सर, आप इतने बड़े एक्टर होकर के इस लेवल के लोगों को होस्ट कर रहे हो जिनका कोई लेवल नहीं है, जिन्हें जहाँ मौका मिलेगा उस पर कीचड़ उछाल देंगे। आपका एक कंटेस्टेंट था जुबेर खान, आपने उसको इतना बड़ा शो दिया, शो से निकलने के बाद वो आप पे केस कर रहा है, वो आपको ही गालियां दे रहा है, मतलब क्या चाहते क्या हो यार। और मुझे एक बात कहना चाहूँगी, मैं बिग बॉस से एक बात करना चाहूँगी, सॉरी टू से यू बिग बॉस, आप लोगों ने साल भर जो पूरी दुनिया को उल्लू बनाया, सच में आप लोगों ने उल्लू बनाया, आपने लोगों को कहा कि आप आके ऑडिशन अपलोड करो, ये हमारी वेबसाइट है, आप आके यहाँ पे सीडी भेजो, आप में टैलेंट होगा तो विल कास्ट यू, बट हुआ क्या एट द एंड? आपके दो लेवल थे, या तो सिलेब या तो नॉर्मल। आपने एक लड़की को कास्ट किया, मैं नाम लूंगी अगेन, अर्शी खान का, सिलेब तो है नहीं क्योंकि बंदी ने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया सिवाय झूठ के बिना, पे वहाँ पे आ गई ना, तो उसने कभी कोई फिल्म की, ना ऐड किया, ना उसने कभी कैमरा फेस किया। कैमरा फेस किया से मतलब है अच्छे काम के लिए, गंद फैलाने के लिए तो बंदी ने कुछ भी कर दिया, आपने उसको ले लिया। फिर उसके बाद आपके कंटेस्टेंट है बंदगी कालरा, आपके स्टाफ का एक बंदा डेनिस जिसकी वो गर्लफ्रेंड है, आपने उसको कास्ट कर लिया। ऐसे कैसे हो सकता है सर कि आपके स्टाफ का ही बंदा अगर आपको कास्ट करना था तो आपने पूरे देश में क्यों चोचले फैलाए? आपने क्यों बोला कि आपको ऑडिशन करना है? आप क्यों उल्लू बना रहे हो देश को? ऊपर से एक ऐसा शो जिसको पूरा देश देखता है एंड इवन आउट ऑफ इंडिया के लोग भी देखते हैं, लोग पागलों की तरह देखते हैं, अब सबको उल्लू बना रहे हो, आपके स्टाफ के ही बंदे की गर्लफ्रेंड को आप ले आते हो, फिर उसके दोस्तों को लेकर आ जाते हो, फिर चार लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं सबको पता है, पुनीश, विकास, डेनिस और बंदगी, एंड अभी एक और नाम ऐड हो गया है, प्रियंक शर्मा। क्यों? क्योंकि जनाब के तो शौक ही अलग हैं। तो सर क्या करना चाहते हो बिग बॉस वालों? या तो क्लियरली बोल दो ये हमारा शो, हमको जिसको कास्ट करना हम उसको कास्ट करेंगे, हम कोई ऑडिशन नहीं लेंगे, कोई जेन्युइन काम नहीं है, हमको सिर्फ दुनिया को उल्लू बनाना है और हमारा शो सिर्फ उल्लू बनाने के लिए है, हमको लोगों को लाना है ढूंढ ढूंढ के, हमको आके झगड़ा कराना है और लोगों को दिखाना है, हमको कोई ऑडिशन नहीं लेना। प्लीज़ आप लोग ये क्लियरली टैगलाइन पर लिख दो, चोचले मत करो। थैंक यू सो मच।